देखिए, अभी आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन नंबर 12 को प्रस्तुत किया गया है। इसको सॉल्व करने के पहले आपको लास्ट क्लास कुछ होमवर्क दिया गया था। मुझे विश्वास है आप लोग होमवर्क किए होंगे और आप लोगों का आंसर जो है पूरा मैच कर गया होगा। इस विश्वास के साथ हम लोग दूसरे अप्रोच में आते हैं। दूसरे अप्रोच में आने का मतलब ये नहीं है कि पहला अप्रोच कंप्लीट हो गया, हम पूरा समझा दिए। अभी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा आप लोगों को। टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आते हैं सेकेंड अप्रोच में। देखिए, आज सेकेंड अप्रोच जो सीखेंगे ना वो है अर्निंग प्राइस अप्रोच। सर, ये अर्निंग प्राइस अप्रोच होता क्या है? तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अर्निंग प्राइस अप्रोच ये होता है ईपीएस के ऊपर। ईपीएस अर्थात अर्निंग, अर्निंग पर शेयर के आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो पहला मन में क्वेश्चन आया होगा, सर हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे डिविडेंड यील्ड अप्रोच, हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन से सम को किस अप्रोच से करना है? देखिए, पहले तो हमको पहचान करना पड़ेगा हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन में ये बता देगा आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको अप्रोच पहचानना पड़ेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को ऑलरेडी अप्रोच मेंशन कर दिया है। अब लोग अब आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि अर्निंग प्राइस अप्रोच, देखिए दिखाई दिया अर्निंग प्राइस अप्रोच। कंपूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे? तो एच पर अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच के अनुसार हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। बहुत अच्छा। लेकिन मन में एक क्वेश्चन आया, सर इस बार तो बोल दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता तो हम लोग अप्रोच को कैसे पहचानते हैं? उसके पहले मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लेते हैं, उसके बाद आपके मन में जो क्वेश्चन आया ना हम इसका जवाब जरूर देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए। आज जो दूसरा अप्रोच है, क्या नाम बताएं बाबू? अर्निंग प्राइस अप्रोच बोला है, इससे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो इसका एक फार्मूला होता है। सर क्या फार्मूला है? देखो बाबू, इसका फार्मूला होता है ना के ई का, ई पी एस, नाम सुने कभी? मीन्स अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर बटा में क्या है सर, पी जीरो इंटू 100। इतना आसान सा फार्मूला है। जब भी बोल लेगा अर्निंग प्राइस अप्रोच से करना, मैंने ई पी एस क्लिक देना ऊपर, बस मेरा काम समाप्त। अब तो देखो, तो क्वेश्चन में अगर ये तीन चीज़ अगर मेरे को पता चल जाए, क्या क्या सर? अगर मेरे को ज़्यादा नहीं, सिर्फ तीन चीज़ पता करना है कि ई पी एस कितना है और मार्केट प्राइस कितना है, तो मेरा सम सॉल्व हो जाएगा। खोजते हैं पूरे क्वेश्चन को, देखिए कहीं पर आपको ई पी एस मिला क्या? कोशिश कीजिए, अगर ई पी एस मिल जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व है। हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत जी जान से मेहनत किए, खोजें, लेकिन हमको ई पी एस नहीं मिला। तो देखा जाए कैसे निकाला जाएगा। अच्छा, पी जीरो मीन्स मार्केट प्राइस दिया है क्या? देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ मार्केट प्राइस, दिखा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया आप लोगों का? 120। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 120। बहुत अच्छा, मतलब सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम लोगों को मार्केट प्राइस तो पता चल गया 120, लेकिन ई पी एस पता नहीं चला। अगर देखिए ई पी एस पता नहीं चला है तो निकालने का कोई मार्ग? हाँ है, इसका एक फॉर्मूला होता है पाफेस, पाफेस बटा में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर ये फॉर्मूला कैसे बना? हम जरूर समझाएंगे आपको, हम लीवरेज में समझा चुके थे फिर भी आपको समझाएंगे। देखिए, तो मतलब हमको ये दोनों अगर पता चल जाएगा तो मेरा ईपीएस निकल जाएगा। कोशिश करते हैं सबसे पहले पाफेस तक पहुंचने के लिए। कहाँ पहुंचना है बाबू हम लोगों को? सबसे पहले पाफेस, कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ पाफेस, वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ। सर ये पाफेस का फुल फॉर्म क्या होता है? पाफेस का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर इसका मीनिंग बताइए ना, जरूर बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना। देखिए इसका एक फॉर्मेट होता है, नीचे देखिए एक फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में कुछ ऐसा शॉर्टकट नाम लिखा हुआ है, जैसे कि वीसी का मतलब आप लोगों को पता है वेरिएबल कॉस्ट, एफसी का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन कुछ ऐसा नाम है हो सकता है कि आपको ना पता हो,
तो वो फुल फॉर्म हम यहाँ पर देखिए बगल में भी लिख दिए हैं, ये बगल में लिखा हुआ है फुल फॉर्म, ताकि आपको ऐसा ना महसूस हो कि हमको फुल फॉर्म नहीं बताया जा रहा है। देखिए बगल में प्रॉफिट तक का फुल फॉर्म लिख दिए हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दिखाई दिया आप लोगों को, बहुत अच्छा। अब हम प्रॉफिट को निकालना है तभी ये सम सॉल्व, मतलब हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट निकलेगा तभी ईपीएस निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले में से कोई भी ऐसा नाम जो हमको मिल जाए जिससे मेरा प्रॉब्लम का समाधान हो, कोशिश करते हैं। पहला तो नाम है सेल्स, देखिए बहुत कोशिश की है सेल्स तो नहीं मिला, लेकिन ऊपर में देखिए एक ईबीआईटी दिया हुआ था, दिखाई दिया आप लोगों को ईबीआईटी, दिखा कितना है, देखिए ना ईबीआईटी, ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फुल फॉर्म बोले ना हम बगल में लिख दिए कॉपी में, ठीक है। ईबीआईटी कितना दिया बाबू, 7 लाख, मतलब सर हम लोगों को डायरेक्ट ये दे दिया, तो और अच्छा हुआ। ये दे देने का मतलब होता है ना कि इसके ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन है अब वो मेरा कोई काम का नहीं है, तो आपको एग्जाम में ऐसे लिख के ऐसे काटना नहीं है बाबू, आप यहाँ से तब स्टार्ट कीजिएगा, समझ में आया, यहाँ से आप एग्जाम में स्टार्ट कीजिएगा इसका मतलब है, ठीक। ई बी आई टी इतना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, डिबेंचर, देखिए तो डिबेंचर दिया है क्या क्वेश्चंस में, एक बार देखिए तो कोशिश करके, देखिए मिला डिबेंचर, हाँ कितना है डिबेंचर, बोला सर 12% इंटरेस्ट है, कितना अमाउंट पर, 20 लाख पर, 20 लाख दिखाई दे रहा है आपको, देखिए दिखाई दे रहा होगा 20 लाख, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा 20 लाख के ऊपर कितना बाबू, 12% कितना हुआ, 2,40,000, बहुत अच्छा। तो मतलब अगर हम लोग को ये जब पता चल गया, तो हम लोग को पता चल गया अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो घटा दिए, टैक्स का परसेंटेज दिया है कि इस क्वेश्चन में, देखिए हाँ सर दिया हुआ है, दिया हुआ है, कितना मिला 30%, तो 4,60,000 के ऊपर जो 4,60,000 है उसके ऊपर कीजिए 30%, आएगा 1,38,000, उसको माइनस कीजिए आएगा 3,22,000, मिला, बहुत अच्छा। अब क्या करना है, अब नीचे लिखा है प्रिफरेंस डिविडेंड, देखिए तो कितना है प्रिफरेंस शेयर, सर देखिए दिया है 15 लाख, परसेंटेज बताइए 10%, तो लिखते हैं यानी 15 लाख इंटू 10% कितना हुआ, 1,50,000, दिखाई दिया आप लोगों को 1,50,000, बहुत अच्छा। अब इससे ये माइनस कर देते हैं, माइनस 1,50,000 कितना हो रहा है, 1,72,000, ये मेरा क्या आया, वापस आया। अब लोग एक चीज़ नोट कीजिए क्वेश्चंस में, डिवेंचर का इंटरेस्ट लिखे, देखिए यहाँ पर डिवेंचर का इंटरेस्ट दिए, प्रिफ्रेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड भी दिए, लेकिन देखिए अभी तक इक्विटी शेयर होल्डर वाले को डिविडेंड नहीं मिला, सर क्यों नहीं मिला, इसका कारण ये होता ना बाबू, सबसे पहले हम लोग जितना लोग होता है सबको दे देते हैं, जो सब देखिए मालिक जो होता है कंपनी का, ओरिजिनल ऑनर या घर का मालिक, कहीं का कोई भी मालिक हो, सबको पेमेंट करने के बाद जो बचता है उसके ऊपर हक किसका होता है, मालिक का होता है, तो सबको पेमेंट करने के बाद कितना बचा कंपनी का प्रॉफिट, तो सबको पेमेंट करने के बाद बचा है 1,72,000, हम लिख दिए 1,72,000 रुपया बचा है, इसके ऊपर किन लोगों का हक है, तो देखिए इसके ऊपर उन लोगों का हक है कितना, 6,000 इक्विटी शेयर होल्डर का, कितना 6,000, कितना इक्विटी शेयर, देखिए दिखाई दिया 6,000 नंबर दिया है, तब हम यहाँ पर लिखते हैं 1,72,000 के ऊपर है 6,000 इक्विटी शेयर का, तो एक इक्विटी शेयर के ऊपर कितना हक हुआ, 28 पॉइंट डिवाइड कीजिए आएगा 6,7, मतलब बहुत सारा 6 आ रहा है इतना, ये मेरा क्या निकला, डिविडेंड नहीं, ये मेरा निकला ईपीएस, हमको ईपीएस का जरूरत है क्योंकि हम लोग अर्निंग प्राइस अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, कितना है बाबू 28.67, अब देखते हैं कितना आता है हम लोगों का परसेंटेज, मतलब इस बार हम लोगों का के मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 23.89%। क्या आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया, हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से आया, लेकिन मन में एक क्वेश्चन है, हम लोग अप्रोच को कैसे पहचानेंगे, कौन सा डिविडेंड इल्ड अप्रोच से सॉल्व करना है कि अर्निंग प्राइस अप्रोच से सॉल्व करना है, तो देखिए इसके ऊपर हम आपको एक ही बात बोलेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया गया है
इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या था, इसमें फॉर्मूला था के का अर्निंग प्राइस अप्रोच का बात करें तो ईपीएस बटा में मार्केट प्राइस इंटू 100। लेकिन इस सेकेंड अप्रोच का बात करें तो सेकेंड अप्रोच, लेकिन फर्स्ट अप्रोच में क्या होता था, फर्स्ट अप्रोच में ना ऐसे एक फॉर्मूला होता था D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 प्लस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, याद है आप लोगों को, बटा में P0 इंटू 100। देखिए P0 तो आपको मिल जाएगा, चलिए एसिडिटी नहीं रहेगा तो हम इसको 0 मान लेंगे, उदाहरण दे रहे हैं आपको। लेकिन जो D1 है ये तो हमको एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए ना, क्या इस क्वेश्चन में D1 दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में D1 नहीं दिया हुआ है, अर्थात D1 जब नहीं दिया है तो इस मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल है, मतलब यानी फर्स्ट अप्रोच अप्लाई नहीं होगा, मतलब यानी हम लोग किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे, सेकेंड अप्रोच से। आज की क्लास में इतना ही, ये दोनों जब रिविजन हो जाएगा ना तब हम लोग इसके बाद थर्ड क्लास करेंगे। चलिए चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क दे दें, सर आपका होमवर्क क्या है, तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं, इस बार सिर्फ एक ही होमवर्क करना है, देखिए सेल्फ इवैल्यूएशन 4 दिखाई दिया, ये होमवर्क करके आप लोग हमारा नेक्स्ट क्लास का वीडियो अटेम्प्ट कीजिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।